स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला उधमपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मतदान के महत्वता के बारे में जानकारी दी गई। उधमपुर से शशि कुमार की रिपोर्ट। घगवाल पुलिस द्वारा मवेशियों की तस्करी का प्रयास विफल, दो पशु तस्कर काबू में, 15 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से करवाया मुक्त। घगवाल से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। कुलगाम नूराबाद के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएस भट्ट ने कई जगहों का दौरा किया। यहां उन्होंने पंच और सरपंचों से मुलाकात की और गवर्नर जम्मू कश्मीर से पंच और सरपंचों की सैलरी जल्द से जल्द देने की अपील की। मेरे ख्याल से भुगतान दिया, हम अगर मतलब यहाँ सरपंच उठेंगे, पंच उठेंगे तो हम पंचों के लिए और सरपंचों के लिए बहुत भारी तनख्वाह दे देंगे और बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं गहर मिनट और गवर्नर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी जानों पर खेला हुआ, सिर्फ हमारे सर कटाने के लिए रखा, हमारे मारने के लिए रखा, क्योंकि हम यहाँ मतलब कश्मीर में उठा गरीबों के लिए, गरीबों की मतलब एतबार देने के लिए। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता की अगुवाई में प्रदर्शन निकाला गया। निर्णय आया है जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट कहा, उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहा भगवा आतंकवाद, पी चिदम्बरम ने कहा हिंदू आतंकवाद, और जितने भूतपूर्व कांग्रेस के महान नेता सब ने पूरी हिंदू कौम को आतंकवादी बनाने का प्रयास करा है। कठुआ पुलिस ने चढ़वाल पेट्रोल पंप रॉबरी केस को सुलझाने का दावा किया है और बताया है कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे वारदात में इस्तेमाल हुए पिस्तौल भी बरामद किया गया है। कठुआ से श्यामलाल शर्मा के साथ सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। MLC सुरेंद्र चौधरी ने पब्लिक मीटिंग कर लोगों से बात की, लोगों से कहा कि वो हर वक्त उनके साथ उनके हर काम को पूरा करेंगे। इस मौके पर वहां के बहुत सारे लोग और पंच सरपंच मौजूद रहे। नौशहरा से कुलदीप चौधरी की रिपोर्ट। कि आज जो वक्त आ गया है कि इस देश में, क्योंकि इस देश की रवायत है कि अनेकता में एकता है, ये बापू गांधी का बसाया हुआ देश है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का हिस्सेदारी है, लेकिन जो आज माहौल है देश का वो अलग से माहौल है। सिर्फ हम जात बरादरियों पर देश को बांट रहे हैं। आप देखें पूरे जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो खत्म हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देखिए, उसमें 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप देखें CBI के डायरेक्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसको रिजाइन करना पड़ा। आप अगर मीडिया में देखा जाए, जो मीडिया के लोग हैं जो सही मायने में बात दुनिया की सामने ला रहे हैं, उनको जब वो बोलते हैं तो उनको उस चैनल से बाहर निकलवा दिया जाता है। तो आज देश जो है एक डंडे से चल रहा है, और ये सोचते हैं कि गुंडागर्दी से हम देश चलाएंगे तो वो चलने वाला नहीं है। जिला सांबा नानकेचक के पास बन रहा रेलवे ब्रिज, जो कि पिछले 5 सालों से काम अधूरा पड़ा है, कई घंटे से लगे जाम के कारण पठानकोट की तरफ से आ रहा ट्रक जो कि जम्मू की तरफ जा रहा था, पुल तंग होने की वजह से सामान ओवरलोडिंग था जो पुल के साथ टकरा गया। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सांबा बीते गत रात चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक के ATM की मशीन को तोड़ सांबा में ATM में चोरी का मामला सामने आया। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कटरा पुलिस ने चोरी की बड़ी घटना को सुलझा लिया है। राधा स्वामी सत्संग भवन की चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझाया। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। पतली मोड़ तक
बाजार रोड में लोगों ने CADP विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कठुआ जर्नल ऑब्जर्वर कांति लाल ने सभी नोडल ऑफिसर्स की मीटिंग लेकर आगामी चुनावों के मद्देनजर जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी पार्टी को लोगों ने बलिदान दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री को कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। का जो रोल है वो जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में रोल है और तारीख गवाह है कि हमने ही कुर्बानियां दी इस आतंकवाद में। हमारे मंत्रीगण मारे गए, हमारे दिग्गज नेता मारे गए और गोलियों के शिकार हुए हमारे कई नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हज़ारों की तादाद में इस आतंकवाद के चलते हुए। मैं समझता हूँ ये बड़ा गैर मुनासिब होगा ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आतंकवाद में रोल है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक रोल है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा कायम रखा। कटरा पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनसे 8 छल्ले और 56 कैप्सूल बरामद हुए। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। तहसील रामकोट के अंतर्गत पंचायत थर्रा कलवाल सुब्रिया बिरादरी की कुलदेवी के मंदिर में चोरी हुई, जिसमें माता का छतर और कुछ रुपए गल्ला तोड़कर चोर ले गए। आए दिन तहसील रामकोट में चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में बिल्कुल विफल रही। रामकोट से मिंटू खजूरिया की रिपोर्ट। बसोली विधानसभा क्षेत्र में गांव जदरोटा, साधर, हट, शीतल, नगर प्लासी, पलाख, कगरोड़ और अन्य गांवों में लोगों ने मोदी के प्रति काफी जोश दिखाया। बसोली से कैमरामैन चेतन के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने रियासी में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंट्रोडक्शन मीटिंग रखी, जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रियासी से रोमेश कुमार राहुल की रिपोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। सरपंच एसोसिएशन कश्मीर के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल से मुलाकात की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सरपंचों ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट।